Dear students, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो स्ट्रक्चर आई उन जो पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस की था जी फॉर्मेशन मुसा मोहित लिखिया था फॉर्मेट सा मो लिखो तो फॉर्मेट पेना पे आउंदे स्ट्रक्चर पे आउंदा बनावट बनावट का समझ में जी जेकर की मराज के शुरू रखना चाहती हूं बनावट चे दी तो बिल्डिंग ठाए विदो पर जेकर बनावट ही नथी चे ओ सजी उम्र ओड़ा दो के में भते ये खाई विदो के में ये खाई विदो सेम में जेकर ताके टेंशन जी स्ट्रक्चर चे दी बनावट चे दी ता कम वीवीआईपी नमूना करे विदो जेकर बनावट ही नथी चे ता पे लोडी दो ने जेको आसो इने जी सेंटेंस जी को आसो इमारत पे लोडी दो यानी एक्टिव आसी जी का इमारत वो ताके सिखा लाए पर पैसा जी इमारत में ताके स्ट्रक्चर जी खबर ना है तो ये इमारत लुटन दी रही पे आए अफर्मेटिव यानी बयान है बयान जुमले में पे एक्टिव आसी जी इंफॉर्मेशन लिखिया स्ट्रक्चर लिखियो सब्जेक्ट नी दो प्लस में इज एम आर जदा कंटीन्यूअस जुमला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इमीडिएट टेंस जा तो उन में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उन्हें बाद में आए अफर्मेटिव जी पैसिव वॉइस अफर्मेटिव जी पैसिव वॉइस के ठन ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर हाने ता के बुदाम त पैसिव वॉइस में हीरो है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हीरो होयो सब्जेक्ट हाने हीरो चेंज थियो हीरो चेंज आ तो मूवी से चेंज थी होई ऑब्जेक्ट थियो सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीग प्लस बीग ही दिन में होने के बाद में बीग पैसिव वॉइस में बीग लाजमी दी कंटिन्यू जो जुमला प्लस मेन वर्ब ही थर्ड फॉर्म यो आइडेंटिटी कार्ड आए त मेन वर्ब जी थर्ड फॉर्म ही दी हर पैसिव वॉइस के जुमले में मेन वर्ब ही थर्ड फॉर्म लाजमी 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 दी होने के बाद में प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होने के बाद में सब्जेक्ट दी दो होने के बाद में आए नेगेटिव नाकारी नाकारी करना चाहे एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर लिखेला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट नाकारी ना नॉट तो शर्त है न कंदो ही कोनो जुमलो नाकारी थींदो ही कोनो प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक प्लस ऑब्जेक्ट पर जेकर इन जो पैसिव वॉइस करनो है हाने इन जो पैसा यानी फाइल मुतादी मजहूल करनो है ई फाइल मुतादी मारूफ है ई फाइल मुतादी मजहूल करनो है छा करनो है हीरो है इन में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी मेन वर्ब बाय थर्ड फॉर्म यो शर्त यो लाजमिया प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट उन्हें का बाद में आए इंट्रागेटिव हां इंट्रागेटिव की स्ट्रक्चर छा है एक्टिव वॉइस फायर मतलब आदि मारूफ इज एम आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब बाय फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव में क्वेश्चन मार्क सवाल की निशानी लाजमी ईदी ने असर कम नथी दो उन्हें बाद में आए पैसिव वॉइस फायर मुतादी मजहूल फायर मुतादी मजहूल में पैसिव वॉइस जो है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट दी दो छाजे करे इज एम आर इन लग दी जो जुमले के हाय करनो आए सवाली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब जी थर्ड फॉर्म बाय एंड प्लस उन्हें बाद में ही दो सब्जेक्ट हाने एक निशे ये दस क्या रहा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तदे ही समझ में इंदो जड़ा ऐसा स्ट्रक्चर का बाद में एग्जांपल सिखा दी तो हाँ ने चुना एग्जांपल दे हाँ ने चुना प्रेजेंट कंटिन्यूअस जे एग्जांपल थे एग्जांपल ऐसा पे हम स्ट्रक्चर पढ़ दिया हाँ एग्जांपल सिखा रहा है समझ में इंदी पे है अफर्मेटिव बयान ये जो एक्टिव वॉइस यानी फाइल मुतादी मारूफ तो पे है जुमलो लिखा है पेस एक्टिव वॉइस पे ही सिखा रहा यानी टेंस सिखा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जा पे जुमलो होता है अली इज प्लेइंग क्रिकेट अली रांद खेली रहे है स्ट्रक्चर छ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब सा इंग प्लस ऑब्जेक्ट पर पैसिव वॉइस में हीरो ऑब्जेक्ट आ इते सब्जेक्ट हो इते ऑब्जेक्ट आ हाने पैसिव वॉइस के हलो पेरा ऑब्जेक्ट दी दो क्रिकेट उने बाद में हेल्पिंग वर्ब दी दो इज उने बाद में इंदो बीइंग उने बाद में इंदो बीइंग उने आपो इंदो प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब थर्ड फॉर्म उने बाद में इंदो ऑब्जेक्ट इन जुमलन में ऑब्जेक्ट आखिर में रवि दो क्रिकेट अली खां खेडी वजे थी क्रिकेट अली खेले तो क्रिकेट अली खां खेडी वजे थी उन बाद में नेगेटिव नाकारी जुमला हाँ नाकारी जुमला क्यों होता है अस लिखा पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब उन इंक प्लस ऑब्जेक्ट पर जुमलो थी हाँ पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस करना है पैसिव वॉइस करना है पे लिखो है ऑब्जेक्ट उन्हें बाद में हेल्पिंग वर्ब
or not, or being, or third form of the main verb by Ali. Or by माने का बाद में असाइन जो को सब्जेक्ट का वो आखिर में लगी दो. उन्हें का बाद में चलो इंट्रागेटिव यानी सॉली जुमले के सॉली क्या करना है सॉली करना है क्या करना है का बड़ी दिक्कत ना है सॉली करना है असा के करनो चाहे पे जुमले के असा जो हेल्पिंग वर्ब जो को है वो सब्जेक्ट का पे आ वो सब्जेक्ट का पे आ हेल्पिंग वर्ब लगा दो इज अली हेल्पिंग वर्ब पे आ जियो पर मार समझा है नेर फाइल मुतादी मारूफ यानी एक्टिवाइज जो जुमलो इज अली प्लेइंग क्रिकेट पे आ हेल्पिंग वर्ब पो सब्जेक्ट पो मेन वर्ब लगा दे पो मेन वर्ब लगा दे इनके पो लगे दो ऑब्जेक्ट पर जकड़ा है पैसिवाइज करना है तो पैसिवाइज करना है क्या करना है फाइल मुतादी मजहूल दा पे आ हेल्पिंग वर्ब पो हीरो आए ना में ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट बिग पो लगा दो बिग प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हर पैसा ऐसे जुमले में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी लगा दो उन्हें का बाद में पे उन्हें का बाद में अली उम्मीद है इलेसन ताके चंगी तरह समझ अची दो जेका समझो दा वीडियो ताके लाए नाले जे बुलाए त सा चा के लाइक कंदा शेयर कंदा सब्सक्राइब कंदा ए बेल जे आइकन ने प्रेस करना चाहे ता जिया नाले जे वीडियो अपलोड थन नेड बेस सब का पता ते मिल सके.